जब हमारा पेपर मॉडरेट आता है तब इस टाइप का एक क्वेश्चन उसमें जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि 200 से 400 के बीच की समस्त संख्याएं जिन जब हमारा पेपर मॉडरेट आता है तब हमें ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि 200 से 400 के बीच की समस्त संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, मतलब डिविजिबल हैं, उनका योग क्या है। अब देखो, पहले हमें यहां पर सीरीज बनानी पड़ेगी कि 200 से 400 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहले तो देखो, जो 200 है क्या ये 7 से कटता है? तो 7 से काटेंगे तो भाई 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 8 56 हो जाएगा, तो बचेगा 4। अब यहां पर 4 शेषफल बच रहा है। अगर इसमें हम 3 और जोड़ देते, अगर यहां पर 3 और जोड़ देते संख्या में, तो यहां पर 7 होता और ये 7 7 से कट जाता। मतलब जो 203 होगा, इस संख्या में 3 जोड़ने पर ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो 203 200 के बाद का पहला नंबर होगा जो 7 से कटेगा। अब जो लास्ट नंबर है 400, इसको देखते हैं, तो यहां पर इसको 7 से भाग देंगे तो 7 पन्ना ये 35 हो जाएगा, बचेगा 5, सुन 7 सतैया 49 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1। अब देखो, यहां पर 6 नहीं जोड़ सकते, हमें 400 के बाद नहीं जाना, 400 के पहले देखना है। यहां पर शेषफल बच रहा है 1। अगर हम 1 को 400 में से घटा दें, मतलब कि ये बचेगा फिर 399, तो ये जो नंबर होगा, क्योंकि यहां पर शेषफल 1 बच रहा है, और जैसे ये कम होगा तो ये पूरा सा नंबर जो है वो 7 से कट जाएगा, तो 399 7 से कटेगा। तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी, 203 पहला नंबर जो 200 के बाद 7 से कटेगा, इसके बाद हो जाएगा 210 हो जाएगा, इसका 217 हो जाएगा, और ऐसे नंबर चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 399 तक। तो ये जो नंबर होंगे ये 7 से कटने वाले होंगे और 200 से 400 के बीच के होंगे। अब हमें इन्हीं नंबर्स का सम निकालना है। तो ये जो सीरीज बन गई ये है हमारी एपी। देखो यहां पर है फर्स्ट टर्म का पता है, और ये फर्स्ट टर्म का पता है, और ये लास्ट टर्म का पता है। तो यहां पर हम सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एन बाय टू ए प्लस एल। ये एपी के एन पदों का सम होता है, एस एन इज इक्वल टू। अब लेकिन यहां पर एन की वैल्यू नहीं पता, तो जब भी आपको एपी दी हो, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो और आपको एन की वैल्यू पता करनी हो, तो आपको जस्ट क्या करना है, जो लास्ट टर्म है इसमें से ये पहली टर्म को घटा देना है, और जो अंतर है इनके बीच उससे भाग देना। अंतर कितने का है? 7 का, और इसमें एक जोड़ देना है। तो ये कितना बचेगा हमारा, यहां से जाएगा तो 196 बचेगा, बटे में 7 प्लस का 1, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, और बचेगा यहाँ 5, 7 8 56, तो 28 और 1 29, जो एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 29। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 203। एल की वैल्यू क्या है, भाई लास्ट टर्म में क्या है हमारी, 399। बस इस फॉर्मूले रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाय टू, भाई 29/2 हो जाएगा। ए प्लस एल 203 में 399 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 200 में, अगर इस 400 में जोड़ते 200 को तो जगह 600, 602 हो जाएगा यहाँ पर, 602। इसको काट देंगे 2 से तो कट जाएगा कितनी बार, 301 बार, तो ये आ जाएगा 301 गुणा 29। तो यहाँ पर 9 एकम 9, जो भी आंसर आएगा लास्ट में 9 आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक ही में अकेले, इसमें अकेले लास्ट में 9 है, बाकी सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकालना है हमें।